हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल और टेक वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाइए सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। फ्रेंड्स, NIOS DLED प्रोग्राम के लिए जिन अप्रशिक्षित शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन किया है, वो सभी जानते होंगे कि आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। 3 अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है एक तरह से, और पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, इसको आगे पढ़ने के लिए जो मुख्य बताया गया था कि आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना होगा और स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से वीडियो लेक्चर देखने होंगे, इन सभी तरीकों से या स्वयं के वेबसाइट के ज़रिए आपको ये सब मटेरियल उपलब्ध होगा, वहाँ से आपको ये पढ़ाई शुरू करनी होगी। कई लोगों के, कई कैंडिडेट्स के, कई शिक्षकों के ये प्रश्न आ रहे हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे इसको पढ़ना शुरू करें। तो मैं आज उनको बहुत ही सिंप्लीफाई करके इस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना। जो लोग टेक्नोलॉजी जानते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं है, वो शायद कर लेते होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, ऑनलाइन चीज़ें, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं, उनको परेशानी पेश आती है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से कैसे शुरुआत करें। तो आज मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से क्लियर करूँगा, बताऊँगा कि आप स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, और किस तरह से यूनिट वाइज आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्वयं प्रभा के जो लेक्चर्स हैं वो कैसे आप अपने मोबाइल पर आसानी से देख सकते हैं और इवन डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले स्वयं प्रभा के बारे में मैंने बहुत डिटेल दी है, वेबसाइट मेरे चैनल पर है, आप वीडियोस देख सकते हैं उसके बारे में। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको सिंप्लीफाई तरीके से, शिक्षकों को आसानी से समझ में आ सके, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को इस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो स्टडी मटेरियल है, लोग जानना चाह रहे हैं बुक्स होंगी या बुक्स कैसे डाउनलोड करें। देखिए, यहाँ कोई बुक्स आपको ऐसे, जो आपका स्टडी मटेरियल है वही आपकी बुक्स हैं एक तरह से, उसमें पूरी जानकारी है, पूरी पढ़ाई है उसमें। तो आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करें NIOS की वेबसाइट से। इसके लिए देखिए, आपको जाना होगा, आप टाइप करें DLED और .nios.ac.in, इस लिंक पर जाकर आप NIOS के DLED के पेज पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको मिलेगा ऊपर की तरफ आप देखेंगे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। उस स्टडी मटेरियल के ऑप्शन पर आप क्लिक करें, जहां पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें पहले ऑप्शन पे आप क्लिक करें प्रिंटेड मटेरियल। इस मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप पहुँच जाएंगे NIOS की वेबसाइट, जहाँ पर ये जो आपका स्टडी मटेरियल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, उस पर आप पहुंच जाएंगे। वहां पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, NIOS DLED का जो स्टडी मटेरियल है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको, आपके सामने दिखाई देगा आपका पूरा सिलेबस, जो कि है DLED का, DLED प्रोग्राम का। अब आपको यहाँ दिखाई देगा हिंदी में और इंग्लिश में, नीचे की तरफ हिंदी में है और ऊपर की तरफ है इंग्लिश में। तो इस सिलेबस को अच्छे से समझें। देखिए, इसमें आपको DLED के प्रोग्राम में हर कोर्स को एक कोड दिया गया है, जो कि है 501 से स्टार्ट होते हुए 510 तक, अभी इसमें इंग्लिश में बता रहा है और हिंदी में अभी 501 से लेकर 504 तक की डिटेल्स दी गई हैं। तो 501 आपका कोर्स कोड है एक तरह से, और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला जो कोर्स का नाम है इंग्लिश में है एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया सोशियो कल्चरल परस्पेक्टिव, ये इसका नाम है। इसके अंदर बनाए गए हैं 3 ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स के अंदर मिलेंगी आपको यूनिट्स। आप हिंदी में भी देखेंगे तो इसका जो भी नाम है वो आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ, और इस तरह से ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया गया है, और हर ब्लॉक में होंगी कुछ यूनिट्स, उन यूनिट्स में होंगे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये आपको स्क्रीन पर, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है इंग्लिश में और हिंदी में। तो ये आप देख लें इंग्लिश और हिंदी में किस तरह से ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। अब हम, मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए, ये आपके सिलेबस के अंदर ये बताया गया है, ये देखिए कि यहाँ पर यूनिट्स जो हैं 501 का जो मैंने कंटेंट डाउनलोड किया था, उसमें ये बताया गया है कि इसमें है यूनिट जो कि ब्लॉक में है, ब्लॉक वन में जो यूनिट है उस स्टार्ट में, यहाँ पर उसके टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। इन टॉपिक्स पे को आप देख लें, ज़रा नज़र इस पर डालें,
तो ब्लॉक के अंदर इस तरह से यूनिट होंगी जिसमें टॉपिक्स होंगे, एक तरह से एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, लेक्चर्स मिलेंगे। ये डेटा मटेरियल जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये पूरा है इसमें, जो कहते हैं थ्योरी जिसमें है, पूरी की पूरी बुक की तरह ही है ये स्टडी मटेरियल जो अभी मैंने बताया आपको डाउनलोड करने के लिए। और लेक्चर संबंध में आपको मिलेंगे स्वयं प्रभा चैनल पर और वेबसाइट पर, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अभी डाउनलोड करेंगे। तो ये एक तरीका रहेगा, इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करें, यहाँ से बुक्स पढ़ना शुरू करें। स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक वन का स्टार्ट होगा और यूनिट वन आप से आप स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से और आप पढ़ें इसमें। तो ये स्टडी मटेरियल आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इसी को बुक्स बोलते हैं, यही आपकी बुक्स हैं, इसको डाउनलोड कर लें आप और अपनी पढ़ाई शुरू करें। अब मैं बता देता हूँ कि आप जो स्वयं प्रभा के लेक्चर्स हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं जिनके ज़रिए आप पढ़ना चाहते हैं, जो बताया गया है कि आपको स्वयं प्रभा चैनल्स आपको टीवी पर आएंगे, वो तो आएंगे क्योंकि वो टेलीकास्ट होंगे। अब टेलीकास्ट किए हुए जो लेक्चर्स रहेंगे वो स्वयं प्रभा की वेबसाइट पर आपको डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध होंगे टेलीकास्ट होने के बाद। वहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट, लाइव तो नहीं मतलब आपको टेलीकास्ट किए जाएंगे, तो आप उस टाइमिंग पर जो कि बताया जाता है उस पर आप देख सकते हैं चैनल पर, जो कि आप स्वयं प्रभा पर इसकी टाइमिंग आपको पूरी पता चल जाती है कौन सा प्रोग्राम कब आएगा। तो आप टेलीकास्ट देख सकते हैं आराम से बैठ के, 4 बार रिपीट होता है स्वयं प्रभा पर, कभी भी देख सकते हैं दिन में। और जब टेलीकास्ट हो जाता है उसके बाद कुछ वीडियोज़ को, या हो सकता है सभी वीडियोज़ को यहाँ पर डाला जाएगा, संभवतः सभी को डाला जाएगा टेलीकास्ट के बाद। तो वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए आपको जाना होगा, हम चलते हैं स्वयं प्रभा की वेबसाइट पर। तो आप स्वयं प्रभा की वेबसाइट पर पहुंच जाएं, जो कि है swayamprabha.gov.in, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट पर आपको मिलेंगे काफ़ी कुछ ऑप्शन, इसमें आपको एक मिलेगा ऑप्शन अचीव्ड वीडियो का। तो अचीव्ड वीडियो का ऑप्शन जो मिलेगा उसमें आप क्लिक कर दें, इस पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी जहां पर आपको कुछ कंटेंट की लिस्ट दिखाई दे रही होगी। यही है वो पेज जहां पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा चैनल, ऊपर की तरफ से अपना चैनल नंबर 32 जो कि NIOS डीलर के प्रोग्राम्स के लिए बताया गया है। तो 32 नंबर चैनल जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं आपको नीचे लिस्ट आ जाएगी उन सभी वीडियोस की। नीचे आपको बीच में सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, सब्जेक्ट में आप कोर्स कोड जो कि 501 से लेकर 510 तक उससे पहचान है, वही है DLED प्रोग्राम के लेक्चर्स। लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देंगे टॉपिक, जी हाँ जो कोर्स है उसके जो टॉपिक रहेंगे, जिस टॉपिक पर ये वीडियो उपलब्ध है इस स्वयं प्रभा वेबसाइट पर, उस टॉपिक को आप देख लें, अपने जो आपने मटेरियल डाउनलोड किया है हिंदी में इंग्लिश में उससे मिला लें और उस टॉपिक को देख लें यहाँ पर अच्छे से, उस टॉपिक के बारे में वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ से टॉपिक देख के चेक कर लें और कोर्स कोड चेक कर लें, 501 जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी शुरुआत 501 से ही होगी तो उसके संबंध में लेक्चर डाले जाएंगे। और इसी में आप राइट साइड में आखिर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक आइकन दिखेगा छोटा सा, जो कि है छोटे से अक्षर में लिखा हुआ है YouTube, इस पर आप क्लिक करें इस आइकन पर तो ये आपको ले जाएगा उस वीडियो लेक्चर पर जो आप देख सकते हैं YouTube पर अवेलेबल है एक तरह से ये, और इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं अपने जो भी आप जिस तरह से इससे नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, तो अभी डेटा से चलेगा यानी इंटरनेट आपको चाहिए इसके लिए, लेकिन आप चाहें तो इसको कभी भी कहीं भी बिना इंटरनेट के भी देख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए करिए आप एक चीज़ जो है, नीचे की तरफ आपको एक दिखाई देगा बटन सेव का, जो कि YouTube की तरफ से दिया जाता है कई वीडियोज़ को डाउनलोड करने के लिए, अगर ये आपके वीडियो के नीचे उपलब्ध है जो कि होगा ही, तो उस सेव के बटन को क्लिक करें, ये वीडियो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा इस बटन को क्लिक करने के बाद, और आप इसको कहीं भी किसी भी वक्त बिना इंटरनेट के देख सकते हैं। तो ये सहूलियत रहेगी आपको कि आप आसानी से अपने समय अनुसार इसको सुन सकें और नोट्स बना सकें या जो भी आप करना चाहते हैं कर सकें। तो ये मिलेगा आपको आपके अकाउंट में YouTube के ऑफलाइन वीडियोस में, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और इस ऑफलाइन वीडियो पर आप क्लिक कर देंगे तो इसमें ये वीडियोज़ मिल जाएंगे और आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं इसका। तो इस तरह से आप स्टडी मटेरियल के ज़रिए और इन वीडियो के इसके ज़रिए स्वयं प्रभा के चैनल के ज़रिए पढ़ाई करें सिस्टमेटिकली, और इस वीडियो के माध्यम से इन जानकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी हेल्प हो सके। लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए आपको पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसी और जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं हमारे चैनल को। तो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद एडी एजुकेशन। थैंक यू।